तो शुरुआत करते हैं जनतंत्र टीवी की खबर का। एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला। संघ विहार विधानसभा क्षेत्र के रातिया मार्ग मंगल बाजार रोड की हालत किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन करीब 10 से 12 सालों से यहां की मुख्य सड़क की हालत काफी खराब थी। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। जनतंत्र टीवी ने भी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। संगम विहार से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता विजय जौली ने इस सड़क को बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसके बाद अब सड़क निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी नेता विजय जौली ने इसके लिए जनतंत्र टीवी की टीम का आभार भी व्यक्त किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम बिहार के मंगल बाजार रोड पर। ये रतिया मार्ग है। कई सालों से करीब 2008 से इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया था। कई सालों से यह सड़क खराब थी, लेकिन लगातार जनतंत्र टीवी की टीम ने इस खबर को उठाया और जो पूर्व विधायक थे यहाँ के विजय जौली जी ने भी लगातार संघर्ष किया, जिसके बाद आज ये सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस वक्त हमारे साथ विजय जौली जी भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा कितना उन्होंने संघर्ष किया सड़क को लेकर। देखिए, मैं देवली विधानसभा का वर्ष 2003 से 2008 तक विधायक रहा और मेरे जो इस हाथ में विधानसभा है, मेरे सौजन्य से संगम बिहार के मंगल बाजार रोड 2006 के अंदर बनी और 2021 तक ये रोड बनी ही नहीं, लेकिन 2017 5 फरवरी को इस रोड का उद्घाटन हुआ और इस रोड के ऊपर 8,88,00,000 रुपए का बजट अनुमोदित हुआ और इस रोड का उद्घाटन देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल ने किया और उनके साथ संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहानिया भी थे। और दूसरी बार इस रोड का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को हुआ, लेकिन रोड फिर भी नहीं बनी। बार बार लगातार कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को और कभी दिल्ली के एलजी को मैं गुहार लगाता रहा, शोर मचाता रहा, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जो टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, कि संगम बिहार के गरीब लोगों को ना तो यहाँ पीने का पानी मुहैया है और ना चलने की पक्की सड़कें मुहैया है। मुझे खुशी है दिल्ली सरकार अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागी और निम्न स्तर की, जहाँ पर 6 इंच की इनको परत लगानी थी, वहाँ पर इन्होंने 1/2 इंच की परत लगाकर गनीमत है इस रोड को अभी बनाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।